वेलकम टू प्रीटी मैन सीजन 2 एपिसोड 16 एपिसोड 15 तक की वीडियोस का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिनियन आकर कहता है हमारा डिवोर्स कैंसिल हो चुका है और तभी प्रेस्टन किन को एक बड़ा झटका मिलता है। वेल चाओ चाओ प्रेस्टन किन से यह कहकर चली जाती है कि कपल एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं और ये वाला सीन मेरा फेवरेट सीन है। तो प्रेस्टन किन अपसेट हो जाते हैं और जिनियन और चाओ चाओ साथ में चले जाते हैं। वेल प्रेस्टन किन की सिस्टर का उन्हें कॉल आता है और वो उनसे पूछती है भाई मेरी फिशिंग रिंग वाला आइडिया कैसा था, क्या आपका प्रपोजल सक्सेसफुल था। तो प्रेस्टन किन कहते हैं नहीं, मैंने उसे प्रपोज किया ही नहीं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन इंग्लैंड। वेल आगे प्रेस्टन किन वो रिंग किड्स को दे देते हैं खेलने के लिए। तो आगे जिनियन एंड चाओ चाओ घर आते हैं। तो जिनियन चाओ चाओ से पूछता है कि अगर तुम मुझसे पहले प्रेस्टन किन से मिली होती तो क्या तुम उनसे प्यार करती। चाओ चाओ कहती है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और इस प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। वेल तभी जिनियन को उसके लॉयर का कॉल आता है। तो चाओ चाओ पूछती है व्हाट हैपेंड। तो जिनियन कहता है हैंड्रू चुके अगेंस्ट सबूत चाहिए होगा। तो चाओ चाओ कहती है इस केस को अगर सामने लाया जाएगा तो क्या शुजियाम और तुम्हारी रिलेशनशिप ठीक रहेगी। वेल जिनियन को एक टैक्स आता है। तो चाओ चाओ कहती है मैं कल आंटी के घर जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। तो जिनियन कहता है ओके। वेल आगे चियान चियान हैंड्रू से पूछती है क्या आपने चियानशी को अपने खानदानी कंगन दिए हैं, मुझे शुजियामु से पता चला है आपने ऐसा क्यों किया। तो शुजियामु की मॉम कहती है मैं उन दोनों के रिश्ते को पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, राइट नाउ मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। चियान चियान कहती है क्या मैं एक मोहरा हूँ, क्या आप भूल गई कि हमने यूरोप में क्या कहा था एक दूसरे से। मिस हैंड्रू कहती है टाइम चेंज हो गया है और उसे समझाती है कि लंबे समय तक मैं उन दोनों से दूर रही हूँ और समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। पहले मैं तुम्हें लाइक करती थी लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने श्यानशी और शुजियामु के बीच के प्यार को देखा है, शुजियामु में पॉजिटिव चेंज को देखा है और मुझे लगता है श्यानशी ही उसके लिए सुटेबल है। तो चैन चैन बहुत एंग्री हो जाती है और कहती है मैं अपनी कोशिश तब तक करती रहूंगी जब तक वो मेरी सांस बंद नहीं जाता। वेल तभी चाओ चाओ आती है उनसे मिलने। तो शुजियामु की मॉम उससे कहती है बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा है, तुम कैसी हो। तो चाओ चाओ कहती है आंटी यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा, तो आपको मेरे सामने ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो सारी गलत चीजें याद है जो आपने मेरे साथ की थी। तो उसकी आंटी कहती है राइट मैंने तुम्हारी और जिनियन के रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत कुछ गलत किया है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी शुजियामु से कराने के लिए ये सब किया था। चाओ चाओ कहती है मैं और शुजियामु एक साथ बड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के लिए कभी फीलिंग नहीं हुई है। वेल चाओ चाओ कहती है अगर आप सच में माफी चाहती है तो आप मेरी मदर इन लॉ बनिए लूशन। तो शुजियामु की मॉम कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। चाओ चाओ कहती है जिस दिन आपने मुझे मिल्क की वाटर फ्लेवर करने के लिए बोला था। तो हैंड्रू कहती है उस मिल्क के साथ डेथ का कोई कनेक्शन नहीं था। तो चाओ चाओ कहती है आपको कैसे पता चला। जिनियन की मॉम की डेथ उस मिल्क की बॉटल के साथ कनेक्टेड है। तो शुजियामु की मॉम कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए तुम मुझसे यहाँ पूछताछ करने आई हो, राइट लिसन टू मी कानून सबूत चाहता है। चाओ चाओ कहती है मुझे आपसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वेल इधर चियान चियान उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है कि तभी उसका फोन रिंग करता है और वो चली जाती है। चाओ चाओ कहती है क्या वहाँ कोई था। तो आंटी कहती है नहीं घर की मेड होगी। वेल चाओ चाओ कहती है मुझे यकीन है ये केस आप दोनों से जुड़ा हुआ है, सबूत आप है, मुझे नहीं पता कि जिनियन की मॉम से आपका क्या कनेक्शन था जो आपको ऐसा करना पड़ा है, अब हम अपना काम करेंगे और कानून अपना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी हैंड्रू चाओ चाओ को रोक लेती है और कहती है चाओ चाओ मुझे सच में पछतावा है लेकिन शुजियामु की सेक के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ,
प्लीज मेरी रिपोर्ट मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें इसके लिए 1000 बार पे करूँगी। लेकिन चाओ चाओ उनका हाथ छोड़ देती है और कहती है जिनयान ही केवल मेरी एक विश है, और कहती है जियामू की सेक के लिए आप अपनी गलती स्वीकार कर लें वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आगे हैन रुक चियान जियान से पूछती है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी। चियान जियान कहती है क्या आपने सच में जिनयान की मॉम को मारा है। हैनरू कहती है मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, हेल्प मी। तो चियान चियान कहती है मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप मुझे बताइए कि आपने कोई एविडेंस तो नहीं छोड़ा। तो हैनरू कहती है नहीं, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। तो चियान चियान कहती है चाओ चाओ कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो गाइस चियान चियान चाहे सामने कितना अच्छा और सच्चा बनने का दिखावा क्यों ना कर ले, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी सबूत आ चुका है। तो गाइस ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे सच पर पर्दा डाला जाए। वेल आगे जिनयान और प्रेस्टन किन का एक मैच होता है जिसमें लू जिनयान जीत जाता है और प्रेस्टन किन से कहता है तुम्हें फ्यूचर में चाओ चाओ को सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो प्रेस्टन किन कहते हैं अगर तुमने चाओ चाओ को दोबारा हर्ट किया तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए, उसे तुमसे चुरा भी सकता हूँ। तो जिनयान स्माइल करके कहता है मैं तुम्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। वेल प्रेस्टन किन मन में कहते हैं अगर जिनयान और चाओ चाओ एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं तो मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। वेल आगे जिनयान की पूरी फैमिली एक साथ लंच करती है। तो शुजियामू की मॉम सबसे कहती है मैंने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं और जिनयान एंड चाओ चाओ को सॉरी कहती है। तो जिनयान कहता है आप हमारे साथ ये सब क्यों शेयर कर रही हो कि आपने गलतियां की हैं। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है मैंने एक बार चाओ चाओ को खाई में गिराने की कोशिश की जिससे सब शॉक रह जाते हैं। वेल वो एक एक करके अपने सारे सीक्रेट्स बताती है कि मैंने चाओ चाओ के खाने में जहर मिला दिया था और उसके साथ मिसबिहेव भी किया था। तो जिनयान को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है लेकिन चाओ चाओ उसे कुछ करने से रोक लेती है। वेल शुजियामू के डैड कहते हैं तुमने ऐसा कैसे किया। तो शुजियामू जिनयान एंड चाओ चाओ से उनकी तरफ से माफी मांगता है। वेल चाओ चाओ कहती है पास्ट में ही रहने देते हैं, वी आर फैमिली आफ्टर ऑल। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका हक सिर्फ कानून को है। शुजियामू के डैड कहते हैं चाओ चाओ व्हाट यू मीन। चाओ चाओ कहती है आपको आंटी से पूछना चाहिए उन्होंने जिनयान की मॉम के साथ क्या किया है। तो हैनरू कहती है जिनयान को गलतफहमी हो गई है कि उसकी मॉम की डेथ का कारण मैं हूँ। तो चाओ चाओ कहती है लेकिन आपको इस केस में एडमिट किया गया है कि आपने जिनयान की मॉम को मारा है, आप खुद से झूठ बोल सकती हैं। उसकी मॉम कहती है मैं जानती हूँ चाओ चाओ यू हेट मी, लेकिन ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ नहीं किया था। जिनयान की मॉम खुद मरी थी, मुझे पता है आप सब मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरे पास एविडेंस है मैं अभी दिखाती हूँ। तो जैसे ही वो एविडेंस लेने जा रही होती है वैसे ही चियान चियान गर्म लोहे पे कुल्हाड़ी मार देती है, मींस वो वही रिकॉर्डिंग सबको सुना देती है जिसमें शुजियामू की मॉम ने खुद कबूल किया है कि जिनयान की मॉम की मिल्क में जहर उन्होंने ही मिलाया था। वेल सच सबके सामने आ जाता है। तो चियान चियान कहती है ग्रैंड मॉम थैंक्स मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए बट टाइम हैज चेंज्ड। तो हैनरू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिर चियान चियान को डिस्ट्रॉय करने की बात करती है। तो शुजियामू के डैड उन्हें स्टॉप कराते हैं। वेल तभी पुलिस भी आ जाती है जिसकी रिकॉर्डिंग चियान चियान ने पुलिस को भी दी होती है। तो शुजियामू की मॉम खुद को बचाने के लिए भागने लगती है और आगे कहती है चियान चियान मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना और तुमने ये किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो वो अपना फोन डस्टबिन में फेंक देती है जिससे कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। इधर शुजियामू काफी टेंस्ड होता है। तो श्यामसी उससे कहती है तुम अभी तक नहीं सोई हो। तो वो कहता है श्यामसी आई एम श्योर मेरी डैड काफी चिंतित होंगे, मुझे आज उनके साथ जाना चाहिए। श्यामसी कहती है यार राइट, तुम जाओ मुझे इन्फॉर्म करते रहना। आगे शुजियामू की डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम से जब मैं मिला था तो वो एक प्योर लेडी थी, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी जो वो ऐसी हो गई है। शुजियामू कहता है डैड आप खुद को ब्लेम मत दीजिए, आपकी गलती नहीं है, और उनका ध्यान रखता है। तो उसकी डैड कहते हैं श्यामसी का ध्यान रखना, मैं बस तुम दोनों को हैप्पी देखना चाहता हूँ, तुम उसके साथ जाकर सो जाओ मैं यहाँ हूँ। वेल शुजियामू एक क्लब आ जाता है और ड्रिंक करने लगता है कि तभी चियान चियान भी आती है। तो शुजियामू जाने लगता है लेकिन चियान चियान उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। वेल जियामू चियान चियान से कहता है मेरी मॉम इतनी बुरी कैसे बन गई है कि उन्होंने एक इनोसेंट लेडी की जान ले ली।
वेल चियान चियान को अननोन नंबर से कॉल आती है तो वो फोन ऑफ कर देती है कट करके, और शुजियामू से ये प्रिटेंड करती है कि मेरा फोन ऑफ हो गया है, क्या मैं तुम्हारा यूज कर सकती हूँ। वेल जियामू रिंग किया होता है तो वो उसे अपना पासवर्ड बता देता है। तो आगे नशे की हालत में शुजियामू सो जाता है तो चियान चियान उसे एक होटल में ले जाती है। वेल ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।